दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय VMRT नर्सिंग कॉलेज पालमपुर। उपमंडल ज्वाली के अधीन ज्वाली हारनाड़ा बलदुआ मार्ग की हालत काफी खराब है, जिस पर वाहन लेकर चलना तो दूर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वाहन में ना बैठकर ऊंट की सवारी कर रहे हों। नाड़ा से बलदुआ तक का 3 किलोमीटर भाग तो खड्ड ही बन गया है। अक्सर ही इस खस्ता हालत हिस्से पर दोपहिया वाहन चालक स्किड होकर गिरते रहते हैं और चोटिल हो जाते हैं। यहाँ पर कोलतार नाम की चीज ही दिखाई नहीं देती। इस बारे में लोक निर्माण विभाग ज्वाली के अधिशासी अभियंता रवि भूषण ने कहा कि मार्ग की हालत को अति शीघ्र ही ठीक किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। हिमद्रिज होमस्टे लोहना पालमपुर PCCN कार्यालय के सामने लगाए गए कैंप में घुटनों के दर्द का इलाज करवाने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां पर बिना दवाई व बिना ऑपरेशन के ही घुटनों के दर्द को दूर किया जा रहा है। हिमद्रिज होमस्टे लोहना PCCN कार्यालय के सामने लगाए गए कैंप में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घुटनों के दर्द का इलाज किया जा रहा है। घुटनों की बीमारी के इलाज के माहिर डॉक्टर इंद्रपाल कसूरिया व उनकी टीम द्वारा घुटनों का सफल इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर इंद्रपाल कसूरिया ने बताया कि घुटने की बीमारी का इलाज जर्मन टेक्निक नी ब्रेस लगाकर किया जा रहा है। घुटनों के मरीज नी ब्रेस लगाकर हर रोज 30 मिनट सैर करने से 10 से 15 दिनों में ही अच्छे तरीके से चलने फिरने लगते हैं। दोनों घुटनों का इलाज यहां उचित दामों में किया जा रहा है। VMRT इस वर्ष नर्सिंग कॉलेज शुरू करने जा रहा है। इस शिक्षण संस्थान का नाम कारगिल वॉर के पहले शहीद एवं पालमपुर के बेटे कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर रखा गया है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता और प्रदेशवासियों से किया गया वादा पूरा करते हुए शांता कुमार जी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। कॉलेज को BSc नर्सिंग की 40 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त है। कॉलेज सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, हाईटेक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई कैंपस और CCTV जैसी सुविधाओं से पूर्ण है। कॉलेज का हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए खेल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है।